नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एचपी शिक्षा चैनल पर। तो दिन भर के तरों ताज़ा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। हिमाचल में बारिश, दलदल में फंसी एचआरटीसी बस, घरों में घुसा नाले का पानी। हिमाचल प्रदेश में देर रात हुई बारिश से कुछ क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है। जिला कुल्लू व लाहौल स्पीति में गुरुवार रात झमाझम बारिश हुई, जबकि मनाली व लाहौल की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ है। मनाली के समीप 17 मील में भारी बारिश से नाले में बाढ़ आ गई, जिसके बाद सड़क पर भारी मलबा आ गया। वहीं इसके साथ लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। नाले में बाढ़ से किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है, जबकि बारिश के कारण जिले में 21 ट्रांसफार्मर बंद चल रहे हैं। शांगचर के समीप हुए भूस्खलन से एचआरटीसी की बस दलदल में फंस गई, जिसके चलते बस कुल्लू नहीं पहुंच पाई। वहीं भारी बारिश से गिरी परियोजना में गांध आने से शिमला शहर में पानी की सप्लाई प्रभावित हुई है। प्रदेश के 4 जिलों शिमला, चंबा, कांगड़ा और किन्नौर के कुछ क्षेत्रों में शुक्रवार को बाढ़ आने का अलर्ट जारी किया गया। वहीं प्रदेश में 15 सितंबर तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। एचपीयू शिमला अधिकारी संघ के चुनाव में कांग्रेस माकपा का पूरा पैनल विजयी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ चुनाव में कांग्रेस माकपा का पूरा पैनल दोगुने मतों से विजयी रहा। इस चुनाव के नतीजे के साथ कांग्रेस माकपा विचारधारा के कर्मचारियों ने भाजपा विचारधारा के कर्मियों पर जीत की हैट्रिक लगाई। इससे पूर्व 8 सितंबर को विश्वविद्यालय ईसी और कोर सदस्य चुनाव में गठबंधन ने जीत दर्ज की थी। अगस्त में गैर शिक्षक कर्मचारी संघ चुनाव में भी गठबंधन से मैदान में उतरा पूरा पैनल काबिज हुआ। वहीं तीनों चुनाव नतीजों में कर्मचारियों अधिकारियों ने दूसरी विचारधारा पर से नकार दिया है। शुक्रवार को अधिकारी संघ के चुनाव में सभी पदों पर मतों का अंतर दोगुना रहा। चुनाव में तेज राम शर्मा अध्यक्ष पद पर विजय रहे, उन्हें 46 मत पड़े, जबकि दूसरी विचारधारा से मैदान में उतरे प्रेम राज शर्मा को महज 23 मत ही पड़े। एचपीयू शिमला मुस्कान ने प्रदेश का गौरव बढ़ाया, फिर बनी चुनाव आयोग की यूथ आइकॉन। भारतीय चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पीएचडी की दिव्यांग छात्रा मुस्कान को एक बार फिर यूथ आइकॉन बनाया है। मुस्कान हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनावों में मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं में वोट डालने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। वर्ष 2017 और 2019 में भी चुनाव आयोग ने उन्हें यह सम्मान दिया था। राज्य चुनाव विभाग ने मुस्कान को यूथ आइकॉन बनाने की संस्तुति दी थी। राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता कर्नाटक में मुक्के का दम दिखाएंगे अभिनव और अविनाश। जिला मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगते सुधेड़ के अभिनव कर्नाटक में राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाएंगे। अभिनव के साथ अविनाश जम्बाल का चयन भी 14 से 21 सितंबर को कर्नाटक में होने वाली इस प्रतियोगिता के लिए हुआ है। अपनी उपलब्धि का श्रेय अभिनव ने अपने स्कूल के समय से मुक्केबाज कोच कैलाश शर्मा को दिया है। एचपी बोस ने घोषित किया चालक के पदों की लिखित परीक्षा का रिजल्ट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने चालक के दो पदों को भरने के लिए आयोजित की गई लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसमें 9 अभ्यर्थी आगामी प्रक्रिया के लिए मेरिट के आधार पर सफल घोषित किए गए। बता दें कि हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड कार्यालय में चालक के दो पदों को दैनिक वेतनभोगी आधार पर अनारक्षित वर्ग में भरने की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा का आयोजन 5 सितंबर को बोर्ड मुख्यालय धर्मशाला में किया गया था। डलहौजी में वार्ड पंच को पीटने वाले 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के उपमंडल डलहौजी के तहत आने वाले गांव में वीरवार देर शाम को एक व्यक्ति, जो कि संबंधित क्षेत्र का वार्ड पंच भी है, को पीटने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घायल व्यक्ति, जिसे मेडिकल कॉलेज चंबा रेफर किया गया था, को सबजन उपचार के लिए जालंधर पंजाब में एक प्राइवेट अस्पताल में ले गए। वहीं इस मामले में उपमंडल डलहौजी के एक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि वीरवार देर शाम करीब 7:15 बजे 3 लोगों ने वार्ड पंच का रास्ता रोककर उसकी डंडों से बुरी तरह से पिटाई कर दी। इसके चलते वार्ड पंच को काफ़ी चोटें आई, जिसे उपचार के लिए वीरवार देर शाम को ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाथरी लाया गया था। हिमाचल निजी स्कूल के एक साथ 16 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के गगरेट क्षेत्र के एक निजी स्कूल के पूरे स्टाफ का शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना टेस्ट किया, जिसमें 16 शिक्षक पॉजिटिव आने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्कूल खुलने से पहले ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्कूलों में कोविड टेस्ट करने शुरू कर दिए हैं, ताकि विद्यार्थियों को संक्रमण से बचाया जा सके। यदि कोरोना के मामलों में ऐसी ही वृद्धि होती रही तो स्कूल खोलने संभव नहीं होंगे। स्वास्थ्य खंड गगरेट की नोडल अधिकारी डॉक्टर सुमन ने बताया कि एक निजी स्कूल के 16 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
अभी और भी टेस्ट लिए जाएंगे और उनकी हिस्ट्री भी देखी जाएगी। टेट अब आजीवन मान्य। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट के प्रमाण पत्र को अब आजीवन मान्य कर दिया है। शिक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना पर मुहर लगाते हुए इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। बोर्ड के अनुसार 16 अगस्त 2011 से जारी टेट प्रमाण पत्रों की वैधता को आजीवन करार दिया गया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि प्रदेश सरकार प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से 16 अगस्त 2021 के पत्राचार के अनुसार शिक्षा विभाग में उन सभी अध्यापक सवर्गों जिनके भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में अध्यापक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र की वैधता को 7 वर्ष किया गया था। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड टेट के लिए ऑनलाइन आवेदन का शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। पात्र अभ्यर्थी 23 सितंबर से 13 अक्टूबर तक बोर्ड के पास ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। टेट परीक्षाएं 13 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक 2 सत्रों में आयोजित होंगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि शिक्षा बोर्ड 8 विषयों JVT, TGT, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, भाषा अध्यापक, शास्त्रीय पंजाबी व उर्दू के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन करेगा। पात्र अभ्यर्थी 23 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 13 अक्टूबर तक बिना विलंब शुल्क के आवेदन किया जा सकेगा। वहीं ₹300 लेट फीस के साथ अभ्यर्थी 14 से 18 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर बोले, जल्दबाजी नहीं करेंगे, कोरोना संक्रमण घटने पर ही खुलेंगे स्कूल। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण घटने पर ही स्कूल खोले जाएंगे, सरकार इस मामले पर जल्दबाजी नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों को खोलने को लेकर भेजे प्रस्ताव की उनके पास अभी कोई जानकारी नहीं है। वहीं इसके अलावा बात करें तो ऑनलाइन पढ़ाई करवाने वाले SMC शिक्षकों का वेतन जारी करने के निर्देश। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों उपनिदेशकों को निर्देश जारी कर ऑनलाइन पढ़ाई करवाने वाले SMC शिक्षकों का वेतन जारी करने को कहा है। शिक्षा निदेशक ने बताया कि SMC शिक्षक संघ की ओर से शिकायत दी गई है कि कई स्कूलों में जुलाई का वेतन नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देश दिए गए हैं कि अगर SMC शिक्षकों ने ऑनलाइन पढ़ाई करवाई है तो इनका वेतन जल्द से जल्द जारी किया जाए। मांगों को लेकर HRTC रामपुर यूनिट के कर्मचारियों ने गेट मीटिंग कर किया प्रदर्शन। हिमाचल पथ परिवहन निगम रामपुर यूनिट के कर्मचारियों द्वारा शुक्रवार को गेट मीटिंग की गई। गेट मीटिंग में रामपुर यूनिट में कार्यरत परिवहन मजदूर संघ, HRTC ड्राइवर यूनियन, HRTC सर्व कर्मचारी यूनियन, तकनीकी कर्मचारी यूनियन इंटेक के पदाधिकारी मौजूद रहे। गेट मीटिंग के माध्यम से कर्मचारी प्रतिनिधियों ने एक स्वर में कहा कि राज्य स्तरीय परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति द्वारा कर्मचारियों की मांगे पूरी न होने तक धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया गया है। वहीं HRTC रामपुर यूनिट के कर्मचारी भारी संख्या में इसमें शामिल होने के लिए 14 सितंबर को शिमला पहुंचेंगे और गेट मीटिंग के माध्यम से निगम प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि कर्मचारियों की मांगों को शीघ्र पूरा करें। इस दौरान कर्मचारियों की वित्तीय मांगों के अतिरिक्त अन्य पर विस्तार से चर्चा की गई, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष पनप रहा है। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिनभर की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।